आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है अचार गोश्त की रेसिपी, जिसको हम बीफ से बना रहे हैं। और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और काफ़ी इजी तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। जो लड़के बैचलर्स रहते हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं वो भी आराम से इसको बना सकते हैं, या जो विद इन अ कंट्री रहते हुए कुकिंग नहीं करते और चाहते हैं कि कुछ नया ट्राई करें तो वो ये कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। गोश्त मैंने यहाँ पे लिया है जिसको मैंने प्री बॉईल कर लिया है, तकरीबन 90% ये कुक है। नमक और हल्दी में मैंने इसको बॉईल किया था। 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। टमाटर 5 से 6 तकरीबन लिया है मैंने यहाँ पे, इसको मैंने कुक कर लिया है। अचार गोश्त मसाला किसी भी ब्रांड का ले लें। ऑयल, ये गोश्त का स्टॉक है जो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। अदरक, हरी मिर्चें और लीमू, नमक टेस्ट के मुताबिक, मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट और दही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। पैन में मैंने ऑयल डाल के प्याज शामिल कर दी है। प्याज को हमें ब्राउन या गोल्डन ब्राउन नहीं करना, इसको हम सिर्फ पिंक करेंगे। और अच्छी तरह से जब ये फ्राई हो जाएगी, पिंकिश ये हो जाएगी, तो मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून। उसके बाद मुझे लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छी तरह से भूनना है। साथ ही जो स्टॉक मैंने लिया हुआ है वो शामिल कर करके मैं इसको भूनूंगी, ताकि इसका टेस्ट भी रहे और लहसुन अदरक अच्छी तरह से भून जाए। जो हमारा प्री बॉयल गोश्त है वो मैं शामिल कर रही हूँ इसमें अब, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। गोश्त शामिल करने के बाद मैंने दही और अचार गोश्त का मसाला वो मैंने ले लिया है, और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है ताकि अरोमा बहुत अच्छा सा आ जाए। 1 टेबल स्पून मैंने निकाल लिया था, जिनको मैं मिर्चों में फिलअप करूँगी। थोड़ा सा बॉयल आ गया सालन में, उसके बाद मैं टमाटर शामिल करूंगी। टमाटर 5 से 6 मैंने कुक कर लिए थे 2 टेबल स्पून में, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, थोड़ा यूनिक सा इसका टेस्ट आता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। मिर्चें मैं शामिल कर दूंगी, जिनको मैं अचार मसाले से फिल किया था। उसके बाद मैं इसको ढक के तकरीबन बस 4 मिनट के लिए कुक करूंगी। अब हम इसको कवर कर देंगे और 4 मिनट बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अचार गोश्त मसाला हमारा रेडी हो चुका है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। जिंजर के साथ मैंने इसको गार्निश कर दिया है, मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। और रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई है, नान, सादी रोटी, चपाती के साथ आप इसको खा सकते हैं। और मुझे अपने कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।